देखो कितना बादल आ चुके हैं। हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज तालिब एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ आवर चैनल। तो गाइस फाइनली अब हमें नैनीताल में रुके रुके एक दिन बीत चुका है, क्योंकि पूरे दिन कल बारिश पड़ती रही और काफ़ी ज़्यादा कोहरा हो मचा रहा, तो हम अपना रूम में ही रह, कहीं निकले नहीं, और रात के टाइम मॉल रोड गए तो वहाँ पर भी बारिश पड़ी, फिर वापसी आ गए। तो अब हमें अगली सुबह में देख सकते हैं मौसम कितना ज़बरदस्त, धूप निकल कर आई है, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। तो हम लोग रेडी हो चुके हैं, पहले हम जाएंगे यहाँ से नैनीताल जू, उसके बाद मौसम देखते हैं कि मौसम विभाग हमें क्या कहता है। रेडी हो चुका हूँ, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी सीधी बाइक पर। हम जो अपने रूम से निकल चुके हैं, इधर देख सकते हैं जामा मस्जिद है, उधर लेक से निकल रहे हैं, तो अपना जो निकल रही थी उसके लिए रास्ते मुझे पकड़ लिया। नैनीताल जू के लिए हम जो जा रहे हैं, हवाली यहाँ का चेयर मैंने 5:35। तो देख सकते हैं बादल, अभी मौसम से तो साफ हो गया, मैंने आपको दिखाया था, फिर ये बादल आ गए। तो बादलों ने बड़ा दिमाग ख़राब कर रखा है, मौसम ज़बरदस्त हो जाता है फिर धूप निकल जाती है, सोचते हैं कहीं घूमने जाएँ, बादल हो जाते हैं फिर अच्छा खा के भैया वापसी काफ़ी लेट जाते हैं। देख सकते हैं ये मॉल रोड है, नेक्स्ट टाइम चल रहे हैं, ये रात में हम आए थे यहाँ पर टहलने के लिए, बट जो रात गए काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ी, देख सकते हैं रात बारिश पड़ी, फिर वापसी अपने अंदर रूम पर लेट गए, कुछ इतना खास नहीं था दिखाने को, इसलिए हमने कुछ ब्लॉग में हमने कवर नहीं करा। अभी देख सकते हैं नैनीताल देख सकते मेरे हम मॉल रोड पर हमारी गाड़ी चल रही है, इतनी ज़बरदस्त लेट लग रही है, इतना ज़बरदस्त भी वाला है, और यहाँ फोटो खींचना तो मतलब जू सीधे चले यहाँ एक ही रास्ता तेरी अब बंद है। और जू जू के लिए रास्ता सीधा ही है। देखो नैनीताल लेक हो रही, नैनीताल लेक हो रही, और आसमान में फिर बादल आ गए, मुझे लगा बादल हमें इस बार फिर भी दोबारा कितने नहीं झेलने के नैनीताल में, पहले घर से तो गाड़ी ऊपर दूसरे घर में जाए ना रही। हमारी गाड़ी पहले घर से दूसरे घर में गाड़ी चली ना रही, बादल कितने नीचे आ गए हैं, तो बस फाइनली हम नैनीताल जू पहुंच गए हैं। जू में एंट्री कर ली है, चल रहे हैं थोड़ा खतरनाक जंगल, जो कि सारी हमें दिखाई दे रहा है सामने बंगाल टाइगर। तो गाइस हम चल रहे हैं टाइगर के पास, होती है बंगाल टाइगर थोड़ा ऊपर है, इधर देख सकते हैं काफी बड़ा पिंजरा है, आग मारे भाई भाई भाई। जितना बड़ा पूरा पिंजरा था बंगाल टाइगर का ही पिंजरा था, एक तो अभी हम ऊपर चल रहे हैं, यहाँ से हम खेलते कूदते चलते रहते हैं, जो जो गाइस यहाँ पर मौजूद हैं सब आपको यहाँ पर लिखा है, चीता भी है। तो इधर गाइस दूसरा बंगाल टाइगर, तो हम उसे देखने के लिए जा रहे हैं।
अब इन टायर की उम्र 10-15 साल होती है। आपसे तो कदम टाइगर से बोल रहा है कि भाई हम वीडियो बनाना है, वीडियो बना के चले आए ना, बट वो ऊपर कुछ ज़्यादा ही ऊपर है, तो गाइस यहाँ से आपको नहीं दिख रहा होगा। ऊपर बहुत ऊपर है, एक ही और दो एक ही। तो गाइस ये जो टाइगर बदतमीज टाइगर है यहाँ नहीं आ रही है, ये अन्य आ रही है ना, जा रही है बस ऊपर जाके बैठ जाता है, वहाँ से फिर ऊपर नीचे आ जाता है। तो गाइस बंगाल टाइगर का काफ़ी वेट करने के बाद भी है, बंगाल टाइगर के बारे में सब कुछ पढ़ने के बाद देखा तो बंगाल टाइगर का अंतर आ, बट बंगाल टाइगर अभी तक नहीं आया। तो अभी हम थोड़ा और ऊपर चल रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं बियर के पास, जो कि गाइस सामने हमारे भालू दिखाई दे रहा है हमें दूर से ही। हम चलने दूसरे भालू की तरफ, तो एक भालू वो बैठा सामने हमारे, बेयर ये था, ये हिमालयन ब्लैक बेयर है। हाँ जी सर, तो भाई वो साफ सो गए। ये गाइस हिमालयन काला भालू है। चलो गाइस सब थोड़ा आगे चल रहे हैं हम, सामने गाइस हमारे हिरन। इनको देख लिया तो आगे चल रहे हैं, आगे देखते हैं गाइस आगे। ओके थी तो हम ये पार्ट देखो, हम थोड़ा नीचे चलना है। लियोपार्ड देखा, देख सकते मौसम चिड़े हुए, कितना बादल आ चुके हैं, तो हम बादल को देखते हुए वापस नीचे उतर रहे हैं क्योंकि बारिश का मौसम फिर स्टार्ट हो चुका है। पता नहीं कि बारिश कब पड़े कब नहीं पड़े, कुछ पता नहीं है। मौसम कितना ज़बरदस्त भी आ रहा है, इतना ज़बरदस्त हो गया ऊपर बादल, साइडों में बादल, सब बादल बादल सब साथ में चल रहे हैं हम। और मौसम बताओ, मौसम कैसा हो गया भाई, मौसम बताओ जुनैद कैसा? कोहरा और यार बादल ही बादल, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। हमने आपको मौसम दिखाया था, देख सकते हैं मौसम कैसा है। ऐसे मौसम में घूमने का मज़ा अलग है, बट इस मौसम में हमें जो घूमने का डर भी एक है कि बारिश नहीं पड़ जाएगा, बारिश पड़ने लगे तो सब मामला बेकार है। गंगारू नहीं घूरल है, इधर इधर ये भी इधर घूरल बन है अलग अलग जगह पे, इधर और इधर भी ये भरल है वो घूरल है, इधर भरल है, भरल है इधर, देख सकते हैं इधर कुछ बैठा है, बट वो झाड़ी में कुछ ना कुछ खा रहा है, चमक नहीं रहा है, आधा ही चमक रहा है। पाला तो आराम जा रही हूँ, पाला जो आज हम आपको दिखा था वो था रेड पांडा, जो कि गाइस पेड़ों पे चढ़े हुए बैठे हैं, वो हाइड है, चमक नहीं पा रहा है। तो गाइस अब हम काकड़ को देखते चल रहे हैं आगे को, उधर भी ज़्यादा इधर काकड़ ही हैं,
ये सांभर इधर जो है देख रहे हैं घास को। गोल्डन फ्रिजेंट है, इसके बारे में फैक्ट लिखे हैं। तो कह रहे हैं गाइस बच्चे तो ये गाइस मार्क 4 मुझे 12 सिंगल जो है उसके सिंग ही काट हम आ देखो तो गए थे अब हम इधर को गए थे पहले इस रास्ते से गए थे अब हम घूम घाम के इस रास्ते को आ गए गुलदार गुलदार है देख के आ चुके हैं। इधर जा रहे हैं आपसे नीचे उतरने की तैयारी। इधर क्या है गाइस, इधर कुछ अमेजिंग चीज है, बिज्जू। बिज्जू ये बिज्जू ये बिज्जू था इधर बेटा। आउल अरे मोर सफेद मोर ये भारतीय मोर है, ये अपने इंडियन मोर होते हैं। इंडियन मोर इधर क्या है इधर है इधर है पैरट इधर आपको के बाद हम दिखाते हैं आपको पैरट लवबर्ड है ऐसा क्या गाइस इधर है लवबर्ड ही गाइस लवबर्ड ही है हिमालयन भेड़िया गाइस तो गाइस अभी हम जो है इस रास्ते से गए थे शेर देख के तो वापसी हम शेर वाले रास्ते से आ गए चिड़िया बड़े देख के वापसी शेर वाले रास्ते से ही वापसी आ गए इधर वापसी शेर आ गया और यहाँ से अभी हम गए थे सबसे पहले शुरुआत हमने यहाँ से कर दी राइड हमारा यहाँ से जहाँ से हमें 9 घंटे मिली थी। हाँ जीत भैया आपको बताओ कि आपको नैनीताल जू कैसा लगा? बढ़िया मस्त एकदम। सारे एनिमल्स देख के जुनीत भाई खुश हो गए, तबीयत खुश हो गई है। बस आप मौसम देख के खुश हो जाइए कि मौसम कितना ज़बरदस्त हो रहा है। उतर रहे हैं वापसी कि तो काफ़ी चल लिए थक गए जू चल चल गए। पहली बार हम आए थे नैनीताल जू में तो जू काफ़ी ज़बरदस्त लगा, काफ़ी ज़बरदस्त अमेजिंग व्यूज लगे। हम वापसी नीचे को उतर रहे हैं क्योंकि बारिश रिमझिम रिमझिम फिर दोबारा से अंगेन स्टार्ट हो गई है। फाइनली हम जो नैनीताल जू घूम के आ चुके हैं, नैनीताल जू से हम जा रहे हैं वापसी अपने थोड़ा नीचे को। और बाकी आई होप आपको नैनीताल जू पसंद आए, अगर पसंद आए तो बस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, इन वीडियो की जगह शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।